हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बज रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हुई है वो सुबह के 4 बजे से हुई है। उठने के साथ ही सबसे पहले हम रूम की लाइट को ऑन कर लेंगे और उसके बाद मैं बाहर गई। बाहर जा कर के मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ और उसी के साथ साथ मैं फेस वॉश भी करके आई हूँ। और फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है जिसकी वजह से टंकी का पानी भी थोड़ा सा ठंडा लगने लगा है। और लेकिन क्या ही करें, मॉर्निंग में ना फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज जब तक मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ तब तक ना ऐसे आँखें भारी भारी सी लगती हैं और शरीर भी एकदम से एक्टिव नहीं हो पाता है। फेस वॉश कर लो ना, उससे बहुत ज़्यादा हम रिलैक्स और एकदम से एक्टिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है, जिसके बाद हमारी स्टडी भी ठीक ठाक से हो जाती है, हम एकाग्रता कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, मौसम इतना ज़्यादा ड्राइनेस वाला हो गया जिसकी वजह से हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई होने लगी है। तो मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पर बोरो प्लस का यूज़ कर रही हूँ। बोरो प्लस मैं हल्का सा लिप पर लगाऊंगी, बस पूरे फेस पर नहीं लगाऊंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा अपना बिस्तर भी सही कर लूँगी मैं, क्योंकि सुबह सुबह मैश ही बिस्तर पर बैठ करके, क्योंकि अगर वही रजाई गद्दे, अभी तो क्या रजाई गद्दे नहीं ओढ़ रहे हैं, चादर वगैरह जो भी रहते हैं जिसे हम ओढ़ करके सोते हैं, अगर वही बेड पे ऐसे पड़ा रहेगा और मैशी मैशी रहेगा तो हम खुद में खुद अच्छा फील नहीं करते हैं और हमारा उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है स्टडी करने में। ये चीज़ खुद से भी आप एक्सपीरियंस करके देखना। आप एक बार जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं उस कॉर्नर को साफ सुथरा करके स्टडी करके देखना और वही नेक्स्ट डे आप उस कॉर्नर को थोड़ा सा मैसी हो जैसे पड़ा है सामान वैसे ही पड़ा रहने देना, उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना। तो फिर आप देखना कि आप दोनों दिन की स्टडी में आपको खुद चेंजेस लगेगा कि हाँ, डिफरेंस खुद कर पाएंगे कि हाँ कुछ चेंजेस है चीज़ें ना, जब वो वातावरण हमारे जो आसपास का जो एरिया रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, वो साफ़ सुथरा रहता है तो हमारी स्टडी में भी हम एकाग्रता कर पाते हैं और बहुत फोकस के साथ अपनी स्टडी को कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिस्तर को सही कर लिया है और नाइट को जब मैं नाइट का स्लॉट करी थी तो मैंने कॉपी किताब यहीं पर रख दी थी ऊपर बेड के सराहने पर, तो वहीं से मैंने उठा ली थी। और उसके बाद मैं बाहर गई हूँ, मॉर्निंग में पानी नहीं पिया था मैंने, तो पानी पीने गई थी और पानी पी करके अब बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और बाहर से मैं CDP की बुक लेकर के आई थी क्योंकि CDP मैंने नहीं पढ़ा था। यहाँ पर मेरी इन्वायरमेंट की बुक और इन्वायरमेंट के नोट्स जो मैंने खुद से हैंड नोट्स बनाए हुए थे वो रखे हुए थे, तो मैं बाहर से CDP की बुक लेकर के आई थी। और अभी मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो मैं टोटली CDP को देने वाली हूँ जो कि मेरे 2 घंटे का स्लॉट होगा। और आप काफ़ी सारे लोग पूछेंगे CDP मैं अभी कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रही हूँ। अभी जो CDP पढ़ रही हूँ वो यूथ पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, वहीं से पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यह बात भी करेंगे कि सुपर टेट के लिए हम ऑनलाइन बैच परचेस करें या फिर हम ऑफलाइन बैच परचेस करें, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें या फिर ऑनलाइन हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो इन सारी चीज़ों पर आज मैं विस्तार से बात करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के लिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सुपर टेट के लिए मेरे से पूछते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों ने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है या फिर काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लिया है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि करने वाले हैं तो मेरे से पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सुपर टेट के लिए आप कौन सा कोर्स परचेस करें या ऑफलाइन पढ़ें। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अभी आप लोग पैसा वेस्ट मत करो, पर्सनली सुपर टेट के लिए तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुपर टेट में पहले तो नया शिक्षा आयोग इतना डिले होकर मतलब उसका गठन हुआ और जब शिक्षा आयोग बन भी गया तो उन्होंने अभी तक मतलब कि वैकेंसी के लिए कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो आयोग पहले TGT PGT की एग्ज़ाम कराएगा, देन उसके बाद UP TET का पेपर होगा, देन उसके बाद हमें सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी टाइम है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अभी आप कुछ समय के लिए रुक जाइएगा। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि हमें सुपर टेट की बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है, स्टडी अपनी कंटिन्यू रखनी है, लेकिन हमें कोई भी अभी पैसा वेस्ट नहीं करना है।
अभी तो हमारे पास इतना अच्छा सोर्स हो गया है स्टडी के लिए यूट्यूब। यूट्यूब पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी वन डे एग्ज़ाम का हो, चाहे सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो, पैट का हो, एमपी टेट का हो, यूपी प्लस सी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस हो पूरा सुपर टेट पर मिल जाता है, पूरा यूट्यूब पर मिल जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, ना तो आप अभी ऑफलाइन पैसा डालें, क्योंकि ऑफलाइन भी अगर आप कोचिंग लेंगे तो वही 3 या 4 मंथ में वो कोर्स पूरा कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद आपको फ्री कर देंगे, तो वो पैसा आपका वेस्ट जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन पेड कोर्स परचेस करेंगे तो उसका भी सेम यही रहेगा। तो इस वजह से मैं तो आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना पुराना वाला जो सिलेबस है उसे डाउनलोड करिए, उसे एनालाइज करिए, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं या फिर पेपर जो हुए हैं उनको आप एनालाइज करिए, देखिएगा, और उसके बाद आपको यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सुपर टेट के सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स को बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सभी सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पूरा पूरा सिलेबस हमें शायद ना मिले सुपर यूट्यूब पर, बट जैसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, जीएस, इन सारे सब्जेक्टों का पूरा पूरा सिलेबस हमें मिल जाएगा, तो इन सारे सब्जेक्टों को तो हम यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी हमें पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी सुपर टेट का यूपी में दूर दूर तक अभी कोई भी अता पता नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर वहाँ पैसा डालें तो ज़्यादा ठीक है। अगर आप प्रॉपरली सुपर टेट की ही तैयारी कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, तब तक आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं वहाँ से कर लीजिए। जब भी आपके सामने कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी उसके बाद आप पेड कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद घर के मैं सारे काम चुटरू मुटर वाले जो होते हैं वो करी थी, ब्रेकफास्ट भी बनाई थी, और ब्रेकफास्ट के साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लंच भी बना लिया था। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन सबको पता होगा कि मेरे यहाँ लंच भी मॉर्निंग में ही बन जाता है, तो इस वजह से तो लंच के जो भी बर्तन हुए थे उन बर्तनों को मैं हाथ लगे जल्दी से साफ करके रख दे रही हूँ। और ऐसा होता है फ्रेंड्स, सुबह सुबह खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, तो इन सारी चीज़ों के बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ में साफ कर दूँ, जिससे कि अलग से मुझे फिर से ना बैठना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग पसंद करेंगे। आज का बहुत छोटा सा ब्लॉग था, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।